का पिन जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसी पिन को आज हम लोग को आप इस फोन में इंटर करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख लो, कैमरा कम फोकस आपके लिए बढ़ा देता है कि यहाँ पे पास की नंबर है 9076 7960, ठीक है। अब हम लोग को इस फोन में आप इंटर करना है, तो क्या है पास की 90, कैमरा का फोकस थोड़ा नहीं हो पा रहा है, 9076 7960 9076 7960। यहाँ पे आप सिंपली हम लोग को डन बटन पर क्लिक करना भाई, देखना है कि खुलता है नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे डन बटन पर क्लिक किया और देखो भाई फाइनली ये फोन खुल चुका है। इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये फोन खुल चुका है। यहाँ पे सिंपली हम लोग पैटर्न लॉक डाल देंगे फोन का और देखो भाई फोन परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्टली ये फोन खुल चुका है। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये फोन परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो भाई आज के इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है फिर से एक नया सैमसंग का फोन, जो कि सेम इसमें भी सैमसंग फाइनेंस का लॉक लगा हुआ है। और आज के इस वीडियो में भाई हम इस लॉक को पास की पिन निकालने के जरिए हम लोग इसको फोन को अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पास की पिन इसका निकालेंगे और इसी प्रोसेस से हम लोग इस फोन को अनलॉक करेंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हुए हैं बट मैंने उसमें कभी भी पास की पिन निकालना आप लोगों को नहीं बताया और ना ही पास की पिन निकाल के उस फोन को अनलॉक किया। तो आज का वीडियो यही रहेगा, हम लोग पास की पिन निकालेंगे उसके बाद इस फोन को अनलॉक करेंगे। तो कैसे निकालना है इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो देखो भाई सबसे पहले काम क्या है, भाई सबसे पहले इस फोन में जो IMEI नंबर आपको शो हो रहा है और नीचे ऊपर में जो पास की का नंबर शो हो रहा है, सबसे पहले भाई इस दोनों के मदद से हम लोग को इसका ये पास की का पिन निकालना है। तो आप लोग को इसका डिटेल्स नहीं पता होगा, जिसका जैसे रजिस्टर मोबाइल नंबर, लोन ID, इसका किसका यूज़र का नेम है, मतलब ऑनर का नेम, किसके नाम से फ़ोन है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप सारा कुछ इसका डिटेल्स निकाल के आप इसका पिन निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम लोग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई देखो सबसे पहला काम है इसका पिन निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वेबसाइट पर आ जाएंगे, उस वेबसाइट के बारे में आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को 10 सेकंड भी भाई स्किप मत करना। तो चलो सबसे पहले वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस होगा, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है इस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोग को इसका रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं पता है, आप उसके जरिए भी फाइंड कर सकते हो, पर आप लोग को नहीं पता है तो आप स्किप कर दो। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मुझे रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो रहा है एप्लीकेशन ID, ये भी मुझे नहीं पता है। तीसरा ऑप्शन हो रहा है DMI लोन ID, ये भी ऑप्शन मुझे नहीं पता है, ये भी लोन ID भी इस फ़ोन का नहीं पता है। अब लास्ट ऑप्शन है इसका डिवाइस का IMEI नंबर, तो ये ऑप्शन भाई मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे इस फ़ोन में सामने में IMEI नंबर इसका लिखा हुआ है। तो सिंपली हम लोग इस फोर्थ वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे जो IMEI नंबर का ऑप्शन होता है वहाँ पे हम लोग IMEI नंबर लिख देंगे। तो भाई आप लोग देख सकते हो IMEI नंबर आप बिल्कुल मिला लो कि इसी फ़ोन का है नहीं, बाद में भाई कुछ बोलना मत। तो आप यहाँ पे सिंपली IMEI नंबर इंटर करने के बाद आप लोग को सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो भाई इस वेबसाइट, भाई ये फ्री वेबसाइट है, आप इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता। तो चलो भाई यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका डिटेल्स निकल के आ चुका है कि इसका ये जो ऑनर का नाम है ये है परमेश्वर पासवान नाम से है, इसका लोन ID क्या है, इसका IMEI नंबर क्या है और इसने लोन कब लिया था, इसका सारा डिटेल्स इनफैक्ट आपको इस वेबसाइट के ज़रिए आपको मिल जाएगा। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, अब हम लोग को सिंपली इस व्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो सिंपली हम लोग इस व्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। ये स्लो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब ये साइट बहुत ज़्यादा ही स्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग वेट करते हैं क्योंकि इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अब तब तक इसका ये डिटेल्स खोल रहा है। भाई ये फ्री वेबसाइट है भाई, इसमें सारा डिटेल्स आपको निकल जाए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद से खोल सकते हो। और इस वेबसाइट को आपको कैसे एक्सेस करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो अब इसका ये यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इसका डिवाइस जो अभी प्रेजेंटली है वो लॉक्ड है, डिवाइस स्टेटस यहाँ पे लॉक बता रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे में ट्रांजेक्शन समरी है उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है इससे भी कोई मतलब ही नहीं है, कैशबैक स्टेटस है उससे भी कोई मतलब नहीं है, बट इसका दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे गेट पास की, यहाँ पे भाई है इसका हम लोग को गेट पास की वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इस पास की वाले ऑप्शन में क्या मांगा जा रहा है, देखो भाई ध्यान से देखना। अब इस पास की वाले ऑप्शन में इसमें पासकोड का पिन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो पिन आपको क्या डालना है, पिन आपको भाई वही डालना है जो आपके फ़ोन में IMEI नंबर जो सैमसंग फाइनेंस का लॉक लगा हुआ है उस IMEI नंबर के ऊपर जो लिखा रहता है पास की नंबर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेम डालना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका वो है 1521 3773, ठीक है, 3773 करके इसका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे डाल दिए हैं, अब हम सिंपली इसको सबमिट करते हैं। सो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया अब इसका पास की नंबर निकलने वाला है। तो भाई देख लेते हैं इसका पास की नंबर कैसे निकल रहा है, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको वापस से ट्राई करते हैं। 1521 3773 वापस से सबमिट किए,
सो भाई वापस से समथिंग में ट्रॉक आ गया। सो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद, वापस से ट्राई अगेन करते रहने के बाद फाइनली ये निकल गया पास की नंबर। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आप लोग बिल्कुल देख सकते हो पहले वाले वीडियो में और अभी वाले वीडियो में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसका पास की नंबर निकल चुका है सक्सेसफुल, यहाँ पे पास की का कोड भी आ गया है। अब हम लोग को इस फ़ोन में इंटर करना है पास की लॉक, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई ये खुलता है कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोन है, तो हम लोग कैमरा को टर्न आउट कर लेते हैं, घुमा देते हैं बैक कैमरे की तरफ ताकि आप लोग इसको देख पाएँ विजिबल। तो यहाँ पे पास की लॉक निकल चुका है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं इंटर करके। सो भाई मैंने आपके लाइव के लिए, इस वीडियो को लाइव बनाने के लिए भाई मैंने तीन तीन मोबाइल कैमरे का सेटअप लगा रखा है, ठीक है। सो भाई आप लोग यहाँ बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका निकल चुका है पिन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसी पिन को आज हम लोग को अब इस फ़ोन में इंटर करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख लो, कैमरा का हम फोकस आपके लिए बढ़ा देते हैं कि यहाँ पे पास की नंबर है 9076790, ठीक है। अब हम लोग को इस फ़ोन में अब इंटर करना है, तो क्या है पास की 90, कैमरा का फोकस थोड़ा नहीं हो पा रहा, 9076790, 9076790। यहाँ पे आप सिंपली हम लोग को डन बटन पे क्लिक करना भाई, देखना है कि खुलता है नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे डन बटन पे क्लिक किया और देखो भाई फाइनली ये फ़ोन खुल चुका है। इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये फ़ोन खुल चुका है। यहाँ पे सिंपली हम लोग पैटर्न लॉक डाल देंगे फ़ोन का और देखो भाई फ़ोन परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्टली ये फ़ोन खुल चुका है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन परफेक्टली वर्क कर रहा है। सिंपली एक हम लोग को पिन डालना था और यहाँ पे पिन निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे सिंपली अब इसको आप यूज़ कर सकते हो इस पिन निकालने का मेथड को। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम लोग को कि इस वेबसाइट पे हम लोग को आना कैसे है, ठीक है। तो देखो भाई ये एक डीलर का वेबसाइट होता है, ठीक है। तो कोई भी स्टोर में आप जाओगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट उस दुकानदार को डीलर को प्रोवाइड किया जाता है कि इसकी मदद से आप वो फ्री में कुछ भी कर सकता है, जो भी मतलब जो भी उसके कस्टमर्स होंगे उसको फ्री में वो सर्विस दे सकता है, ये सब निकालना वगैरह ये सब वो खुद से ट्रैक कर सकता है, वो खुद से पेमेंट कर सकता है, उसको कस्टमर केयर का कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास भी एक डीलर एक्सेस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास DMI फाइनेंस का एक्सेस है। सो आपको अगर कोई भी परेशानी होगा फ़ोन खोलने में तो आप मेरे ज़रिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आप मेरे ज़रिए आप इस फ़ोन को खोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली भाई यही था स्टेप्स, उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया भाई तो वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना ही मत भाई, और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और आपको कुछ भी दिक्कत हो भाई तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।